तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विजय चमोला अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और केदारनाथ की खूबसूरत वादियों से। तो पर्टिकुलर प्लेस अगस्तमुनि और चल रहे ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो आज का ब्लॉग होने वाला काफ़ी स्पेशल, आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा कुछ व्यू। और पहली बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज हिमालय की जो चोटी है वो यहाँ मेरे यहाँ से जो व्यू है घर का वो ऐसा, और सीधे सामने दिखाई देता है एकदम जो हिमालय है उसकी व्यू। तो उधर ही है केदारनाथ। तो हेलो फ्रेंड, ये सामने दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत, ये मेरे घर से ठीक सामने की ओर है इसे हिमालय पर्वत। और आप देख सकते हैं कि आज पूरा मौसम एकदम साफ और हिमालय पर्वत पूरा साफ दिखाई दे रहा है और व्यू कुछ यूँ। और हिमालय पर्वत को देखी होगी आपने, बर्फबारी हो चुकी है। और इधर जितनी भी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं उसके अगल बगल की जो चोटियाँ मैं दिखा पा रहा हूँ वहाँ भी है बर्फ। तो पहाड़ों पर गिर चुकी है आजकल हल्की हल्की बर्फ और हो चुका है ठंडे का मौसम शुरू। तो ऐसा कुछ व्यू और पूरा आसमान एकदम नीली छतरी लिए हुए और ये पूरा का पूरा व्यू कुछ ऐसा। और ऐसा कुछ व्यू दिखाई दे रहा है, मौसम है बिल्कुल एकदम साफ। अभी करते हैं नाश्ता और नाश्ते के बाद जाएंगे सीधे स्कूल। बेबी ने नाश्ता कर दिया होगा तो चलते हैं सीधे, मिलते हैं स्कूल में। देखते हैं आज है किसका बर्थडे और केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे क्या। आज पढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक है। पहचानेंगे भी हम कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है और डायमैग्नेटिक क्या होता है, ठीक। अगर परिभाषा के रूप में हम देखेंगे तो पैरामैग्नेटिक उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। डायमैग्नेटिक उसे कहेंगे जिसमें क्या होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक। सीधी साफ बात कि क्या हो जाएगा, जहां पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा डीपी डिलीप्लिस, ठीक, और पीयू, ठीक। पैरामैग्नेटिक वो होता है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, डायमैग्नेटिक वो होगा जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ये शॉर्टकट है, ठीक। माने पेयर्ड ऐसा और अनपेयर्ड की बात हम करते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, ठीक। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, ठीक। और देखते हैं हम कि पेयर्ड जा रहे हैं, लास्ट ऑर्बिट उठाएंगे उसका, क्या उठाएंगे, लास्ट ऑर्बिट उठाएंगे। और लास्ट इलेक्ट्रॉन में देखें, लास्ट ऑर्बिट उठा के देखेंगे, सब जगह डी डी फाइव, एक दो तीन चार और एक पाँच। दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी, घोड़े से और एक पैदल, और जो घोड़े से थे उनको दावत कहते थे और जो पैदल थे उनको उलूक कहते थे। तो वहाँ उलूक जो होते थे उन पे एक कॉपर की रॉड होती थी जिसमें केवल बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी, रेहला। किसने, इब्न बतूता ने, सबूत डाक के बारे में है, डाक के बारे में, डाक। अब कौन सी पुस्तक लिखी, वो रेहला। और अलबरूनी ने किताबों। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो मेरे साथ है परवीन और इधर है आपका क्या नितिन, और हम जा रहे हैं पल्लीपार अपने कॉलेज में। तो पहली बार देखेगा परवीन है भाई, क्या सर आपका नया कॉलेज, आपका हमारा हमारा नया कॉलेज, तो हमारा नया कॉलेज देखेंगे पहली बार। सारे बच्चे आगे, सारे बच्चे हैं आगे, और इनकी जिद थी कि ये क्या देखें, नया कॉलेज, नया कॉलेज की नई बिल्डिंग को देखें। तो जा रहे हैं हम सारे 12th बी के छात्र, ए के छात्र, कहाँ, नए कॉलेज देखने के लिए। और हाथों में है हमारे पास पानी क्योंकि भैया प्यास भी लगेगी, चलेंगे एकदम पल्लीपार, धूप भी काफ़ी है। तो ओढ़ दिए हैं छाता, छाता भी उड़ने का नाम ले रहा है भाई, देखो बिल्कुल सर हवा ज़्यादा तेज है ना। और व्यवस्था कर दी है हमने कि समोसे भी ले जाएंगे जी सर, बिल्कुल। और पानी की व्यवस्था, समोसे की व्यवस्था, खाने की पूरी व्यवस्था भाई। तो मिलेंगे सारे बच्चों के साथ वहीं, कहाँ, ऊपर कॉलेज में, कॉलेज में। तो व्यू देखेंगे कैसा है और बच्चों से पूछेंगे कैसा लगा। यस सर। क्यों परवीन, यस सर, नए कॉलेज में जाके कैसा लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, यस सर। तो अब जा रहे हैं नए कॉलेज में, उनको रास्ता शायद पता है, हाँ इनको मालूम है ना। ए मोगली को देख लिया इसने, मोगली को
मतलब यहाँ रात को बाघ भी आता होगा। कुकू ने करी खोज, कुकू ने करी खोज हड्डी की, तो इसका मालिक हो कुकू। तो घर में सजाया जाएगा, घर में सजाया जाएगा इसको। बिल्कुल संदूक के अंदर, संदूक के अंदर एकदम बच्चे बच्चों के। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो हम पहुंचे हैं अपने स्कूल की नई वाली साइट पे। ये हैं 11 बी के सारे बच्चे और आज कर रहे हैं हम यहाँ सफाई। तो एकदम आने वाला है मज़ा, और धूप भी है भाई बहुत ख़तरनाक। बच्चे पी रहे हैं वो देखो पानी, और वो वाली बोतल भी लाओ ना, वो ब्लैक वाली। और सारे के सारे बच्चे अभी करेंगे सब के सब इंजॉय। और समोसे भी ला दो यार, समोसे समोसे भी ला दो। फ्रेंड्स, कन्हैया को आई भारत की याद, और कहा क्या कहा जाएगा, जवानगर बनियाड़ी में। तो ये सामने दिखाई दे रहा है बनियाड़ी, और ये पूरा का पूरा व्यू बनियाड़ी का। और यहाँ जाएंगे शादी में। तो कहाँ पे है शादी, कहाँ पे है, कहाँ पे वो है रास्ता, कहाँ पे सर? वो नीचे पे। अब वहीं से जाएंगे सीधे, यहीं से जाएंगे। कोट पैंट लागे सर? अब लाएंगे, अब लाएंगे कुर्ता लाया खाली। अच्छा, कुर्ता किस कलर का सर? मैरून कलर का, मरून बिटा का था बाहर। तो समोसे वितरण का काम शुरू कर दिया है अंशुल द्वारा। तो इसी के साथ तो अभी हम खाएंगे समोसे, और कौन बांट रहे समोसे? सरोनी है। तो धोनी जी यहाँ पे बैठे हुए हमारे साथ। शिवम भाई ने किया आज बहुत मेहनत और सफाई। घर का मैं बैठूं। तो देखिए प्यारी सी लोकेशन यहाँ पे, क्या व्यू आ रहा। तो सुमित बांट रहे हैं यहाँ पे समोसे, और धुमाका ने भी पकड़ लिया है समोसा। धुमाका चटनी भी मिलेगी ना? चटनी मिलेगी। तो मेरे को भी मिल चुका है समोसा। कब लाएगा मुर्गा, कब लाएगा? मेरे को भी सही में बता दे, दिमाग सही में ठंडे को। तो यहां पे स्मिथ सर पर चल रहा मुर्गा, मुर्गा है कि बकरी? खाने के लिए कौन खाएगा? हम खाएंगे। हम अबे अपना पाला बने खाते रे। हां ऐसे दम इसमें लगा दिमाग। तो हेलो फ्रेंड्स, जा रहे हैं वापस। बच्चों ने कहा कि आज नया स्कूल देखेंगे कि कहाँ बन रही है बिल्डिंग। तो बच्चों ने लिया काफ़ी मज़ा, और हम जा रहे हैं अब वापस। तो बच्चों को व्यू भी दिखाऊंगा मैं आपको, कि बच्चों ने कैसे सोचा स्कूल के बारे में। तो कैसे लगा भाई कन्हैया? तो बहुत अच्छा लगा सर की स्कूल में देख के। सर की या अपनी स्कूल को देखे? अपनी स्कूल देख के। हाँ, और जब एडमिशन होगा तो सब लोग अब स्कूल में पहुँचे। हाँ, एडमिशन करना जरूर करिए। हाँ, और हमारे साथ हमारा क्लास 12 ए वाले हैं। हाँ, और ये है काम करने वाले। ए धोनी, कैसे लगा तेरे को? सर बहुत अच्छा है, कॉलेज बहुत अच्छा बन रखा है। हाँ, अब आने वाले सालों में आप उसे और भी बड़ा कर दोगे। अंशुल कैसे लगा भाई? सर एकदम फर्स्ट क्लास, झकास एकदम। कैसे लगा सुमित? सब बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स अभी गए जिम, और आज हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या करा आज। तो अभी है एकदम जिम टाइम, तो प्रोटीन शेक लेंगे और ब्लॉक को बोलेंगे अलविदा। तो अगर आप भी GNC का प्रोटीन ले रहे हैं तो यही वाला लीजिएगा, क्योंकि बॉडी पे इफ़ेक्ट है और आप देख पा रहे होंगे
की एक्सरसाइज बिल्कुल हो रही है मस्त, तो एकदम आया मज़ा। तो दो सेट लगाए एकदम एब्स के भी और आज करी शोल्डर की एक्सरसाइज। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग जरूर बताएगा, और हाँ चैनल पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और ये जरूर बताएगा कि आपको मेरे ब्लॉग कैसा लगता है।